पिछले वीडियो के पोके क्विज का आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया था, सबका नाम स्क्रीन पर है, पॉज करके अपना नाम पढ़ लेना। और आज के वीडियो का पोके क्विज ये है, इस पोकेमोन का नाम कमेंट सेक्शन में बताओ और अगले वीडियो में भी तुम्हारा नाम ऐसे ही आएगा। ऐश, सरीना और ब्रॉक सुबह सुबह निकलते हैं पेंगुलारा जंगल के लिए और उस बूढ़े सेंट को ढूंढने के लिए और जानने के लिए कि उस पेपर पे आखिर क्या लिखा हुआ है एंशिएंट भाषा में। ऐश, सरीना और ब्रॉक बस से उस जंगल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा घना जंगल लग रहा था। एंट्रेंस के गेट के बगल में एक बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था कि अपने रिस्क पे जंगल में जाएं। ऐश, सरीना और ब्रॉक बिना उस बोर्ड को पढ़े अंदर चले जाते हैं। जंगल के बीच में एक रोड थी और वो रोड पूरी खाली थी, वहाँ एक सिंगल आदमी भी नहीं दिख रहा था। सरीना को काफ़ी डर लग रहा था लेकिन ऐश और ब्रॉक एकदम डट कर आगे चले जा रहे थे। जंगल और भी ज़्यादा घना होता जा रहा था। रास्ते में ऐश को प्राइमेप, कैटरपी जैसे बहुत पोकेमोन दिख रहे थे। सरीना ऐश और ब्रॉक के पीछे पीछे चल रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर ऐश और ब्रॉक तुरंत पीछे मुड़ते हैं लेकिन सरीना वहाँ नहीं थी। ऐश और ब्रॉक उससे बहुत देर तक आवाज़ लगाते हैं लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई थी। फिर ऐश अपने पिजियॉट को निकालता है और उससे कहता है, पिजियॉट ऊपर उड़ के देखो कि आसपास सरीना कहीं है तो नहीं। पिजियॉट को सरीना ऊपर से भी नहीं मिलती है लेकिन पिजियॉट को एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है। वो बड़ा सा गड्ढा झाड़ियों की वजह से एकदम छुप गया था। पिजियॉट ऐश और ब्रॉक को इशारा करके वो गड्ढा दिखाता है। फिर ऐश अपने पिजियॉट को वापस बुलाकर अपने पोकेबॉल में रख लेता है। ऐश और ब्रॉक एक स्टेप बस बढ़ाते ही हैं तभी उस गड्ढे की सारी झाड़ियाँ हट जाती हैं। वो एकदम अजीब गड्ढा था, एकदम गहरा। ब्रॉक ऐश से कहता है, ऐश सरीना जरूर इसी में गिरी होगी। तभी ऐश और ब्रॉक के पीछे कुछ प्राइमेप खेलते खेलते उन्हें धक्का दे देते हैं। ऐश और ब्रॉक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। वो लोग नीचे गिरते तो हैं लेकिन उन्हें जरा सी भी चोट नहीं लगती है। उस गड्ढे में बहुत अंधेरा था। ऐश पिकाचू से कहता है, पिकाचू लाइट यूज़ करो। उस गड्ढे से एक गुफा कनेक्टेड थी। ब्रॉक ऐश से कहता है, ऐश हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद आगे सरीना भी मिल जाए और हमें बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाए। ऐश और ब्रॉक आगे बढ़ते हैं। उस गुफा में बहुत सारे जुबैट थे जो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तभी ऐश को उस गुफा के दीवारों पर वही भाषा मिलती है जो उसे उस पेपर में मिली थी। ब्रॉक कहता है, ऐश शायद उस बूढ़े आदमी का घर आसपास ही होगा। ऐश कहता है, हो सकता है यार। वो दोनों सरीना सरीना तुम कहाँ हो बोलते बोलते आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे से एक रोशनी आ रही रहती है। ब्रो यार वीडियो यहाँ तक देख ले लेकिन अभी तक लाइक ही नहीं किए यार वीडियो को। यार लाइक करो यार, उस लाइक बटन पे अपना हाथ दबा दो यार। 200 लाइक्स का एम मैंने रखा है, जल्दी से लाइक कर दो यार। और यार चैनल पे नए यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, हम लोग जल्दी ही हिट करने वाले 1100 सब्सक्राइबर। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, इट मीन्स अ लॉट, बहुत मदद मिलती है। चलो बाय। ऐश और ब्रॉक उस रोशनी की ओर भाग कर जाते हैं। वो लोग एक अलग ही जगह निकलते हैं। पूरी केव ख़त्म हो गई थी। वो एक पैराडाइज जैसी जगह थी। वहाँ पर एक झरना था और तालाब भी था। वहाँ ढेर सारे बहुत रंग बिरंगे फूल थे और बहुत शांत स्वभाव के पोकेमोन जैसे रोजीला, ब्लॉसम, हॉपपिप, जिगलीफब जैसे पोकेमोन थे। तभी ऐश और ब्रॉक को बगल में सरीना दिखती है जो बाहर जाने का रास्ता खोज रही रहती है। ऐश चिल्लाता है, सरीना तुम यहाँ हो। सरीना तभी खुशी के मारे भाग कर आती है और ऐश को गले लगा लेती है। फिर सरीना ऐश को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम लोग की बहुत याद आ रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ऐश उससे कहता है, ठीक है यार अब तो हम लोग मिल गए हैं ना। ब्रॉक ऐश और सरीना से कहता है, दोस्तों इस जगह से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, मुझे लगता है मैं यहाँ हमेशा के लिए बस जाऊँ। वहाँ ऐश अपना चेहरा तालाब में देख ही रहा रहता है तभी उसकी नज़र वाटरफॉल पर पड़ती है। ब्रॉक कहता है, ऐश क्या हुआ, तुम वाटरफॉल को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो। ऐश कहता है, दोस्तों उस वाटरफॉल के पीछे मुझे किसी का घर दिख रहा है। ऐश, ब्रॉक और सरीना वाटरफॉल के पास जाते हैं तो अचानक से वो झरना पानी बंद हो जाता है। उसके पीछे एक नेचुरल घर बना हुआ था। सरीना कहती है ऐश से कि ये किसका घर है। ऐश कहता है, मुझे क्या पता। तभी ब्रॉक ऐश को बुलाता है और कहता है, ऐश ये देखो यहाँ की दीवारों पर भी वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो तुम्हारे पेपर में लिखा हुआ था।
वो तीनों लोग घर के अंदर आ गए थे, तभी अचानक से वाटरफॉल अपने आप चालू हो जाता है, उसका पानी फिर से गिरने लगता है, वो घर एकदम से चमकने लगता है, एकदम नेचुरल लाइट उसमें आ रही रहती है और वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ऐश, सरीना और ब्रॉक का मुँह खुला का खुला रह गया था, उन लोगों ने कभी भी इतना सुंदर नज़ारा नहीं देखा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? वो तीनों लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन लोग को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? तभी ब्रॉक समझ जाता है कि ये वही बूढ़ा सेंट प्रोफेसर है जिसके बारे में प्रोफेसर वो बात कर रहे थे, और यही वही आदमी है जो उस पेपर पे उस लैंग्वेज को पढ़ सकता है। ऐश बिना कुछ कहे घुटने टेक लेता है। ऐश और सरीना को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि ब्रॉक ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ब्रॉक कहता है, अरे पागलो, ये वही सेंट प्रोफेसर है जिसके बारे में प्रोफेसर वो ने बताया था हमें। वो बूढ़ा सेंट कहता है, बेटा बहुत जल्दी समझ गए तुम लोग। ऐश और सरीना भी घुटने टेक लेते हैं तुरंत। ऐश और सरीना उससे कहते हैं, गलती हो गई सर। फिर वो बूढ़ा सेंट कहता है, अच्छा तो तुम लोग को क्या काम है? ऐश सारी बात उसको बताता है कि उसे उसके स्टोर रूम में एक पेपर मिला था जिसमें एंशियंट भाषा में कुछ लिखा हुआ है और जिसे आप सिर्फ पढ़ सकते हो, ये मुझे प्रोफेसर ओक ने बताया था, और आप यहाँ पे रहते हो पेंगुलारा के जंगल में, इसलिए हम तीनों लोग आपको यहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे और हम लोग यहाँ आ पहुँचे। वो बूढ़ा सेंट कहता है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा लक्की हो जो मेरा घर तुम लोग को इतनी जल्दी मिल गया। वो तीनों लोग उस बूढ़े सेंट से कुछ देर तक बात करते रहते हैं। फिर ऐश वो पेपर उस बूढ़े सेंट को दिखाता है। वो बूढ़ा सेंट उस पेपर को देखकर एकदम शॉक में था। ऐश उससे कहता है, इसमें ऐसा क्या लिखा है सर जो आप इतना शॉक में हैं? वो बूढ़ा सेंट कहता है, इस पेपर में एक आइसलैंड के बारे में लिखा हुआ है जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर तुम लोग को मिलेगा, जहाँ पर ऐश के फादर के बारे में बहुत कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं। ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है क्योंकि ऐश ने कभी भी अपने फादर को नहीं देखा था और ना ही ऐश ने अपनी मॉम के मुँह से उनके बारे में कभी भी सुना था। ऐश तुरंत चिल्लाता है, ब्रॉक, सरीना, चलो हम लोग अभी निकलते हैं। तभी वो बूढ़ा सेंट कहता है, ऐश, इस पेपर पे और भी कुछ लिखा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ऐश कहता है, हाँ ज़रूर बताइए बताइए, जल्दी बताइए। इस पेपर में ये भी लिखा है कि उस आइलैंड के रास्ते में तुम्हें बीच में ट्रियो लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी मिल सकते हैं, तो अपना ध्यान ज़रूर रखना। ऐश और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है। ऐश को जल्दी से जल्दी उस आइसलैंड जाना था क्योंकि ऐश ने कभी भी अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जाना था। तब तक रात भी हो गई थी, इसलिए वो बूढ़ा सेंट कहता है, तुम लोग कल सुबह ही निकलना क्योंकि रात में बहुत खतरा होता है और ख़ासकर पेंगुलारा का जंगल रात में तो मौत ही है। ऐश उस बूढ़े सेंट से कहता है, चलो ठीक है, तो आज हम लोग आपके यहाँ यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन हम लोग सोएंगे कहाँ? वो बूढ़ा सेंट कहता है, मेरे पास तुम लोग के लिए नेचुरल बेड्स हैं, उस पर नींद बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। सरीना भी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो नींद के मारे ऐश के ऊपर गिरने लगती है। ऐश कहता है, क्या कर रही हो सरीना? ब्रॉक कहता है, अरे ऐश, उसे नींद आ रही है यार। वो बूढ़ा सेंट कहता है, ऐश तुम्हारे पीछे वाले कमरे में ही बेड है, तो उसे तुम वहाँ ले जाओ। ऐश सरीना को गोद में उठाकर बेड के कमरे तक ले जाता है। सरीना को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो ऐश को चाहती थी। फिर ऐश उसको बेड पर रख देता है। फिर ऐश जब वापस जा रहा रहता है तो सरीना उससे कहती है, थैंक यू ऐश। ऐश, ब्रॉक और सरीना उस बूढ़े सेंट के घर उस रात सो लेते हैं। ऐश पूरी रात सिर्फ यही सोच रहा था कि उस आइलैंड पे उसके फादर के रिलेटेड क्या होगा। ऐश पूरे एक्साइटमेंट में था, इसलिए उसे रात भर नींद ही नहीं आई थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखना मत भूलना। इस वीडियो का अगला पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पे हो जाएंगे 200 लाइक्स और 150 कमेंट्स। जानता हूँ यार, ये एकदम ही अलग है यार, तुम लोग कर दोगे यार, तुम लोग का सपोर्ट बहुत ही खतरनाक आजकल मिल रहा है, तो यार प्लीज़ कैसे भी करके 200 कमेंट्स, मतलब 200 लाइक्स और 150 कमेंट्स करवा दो। चाहे जितना शेयर करो इतना होगा, तभी इसका अगला पार्ट आएगा। और यार तुम लोग की सपोर्ट की वजह से यार हम लोग के चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर हिट कर दिए हैं। बहुत बड़ा नंबर है यार, बहुत मेहनत लगती है, सच्ची बता रहा हूँ। और यार तुम लोग यार बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे, जल्दी जल्दी लाएंगे, थोड़ा सा यहाँ लेट हो गया, नहीं तो यार जल्दी हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना यार। और यार पोके क्विज का आंसर देना मत भूलना। और यार लास्टली यही बोलूँगा, जिसने भी अब तक सपोर्ट किया यार, थैंक यू वेरी मच यार, प्लीज़ यार थैंक यू वेरी मच, दिल से बोल रहा हूँ यार, थैंक यू वेरी मच अगेन। तो यार मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।